बालाघाट जिले के लालबर्रा जनपद अंतर्गत ग्राम कंजई की सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी सुश्री शिखा बोपचे ने 15 अगस्त आजादी के अवसर पर अपने कार्यालय के सामने ध्वजारोहण न करके गैर जिम्मेदारी का परिचय तो दिया ही, एक फर्जी फोटो विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप में डालकर अपने उच्च अधिकारियों को गुमराह करने का काम किया है। दरअसल मामला ये है कि सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी सुश्री शिखा बोपचे ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन उच्च अधिकारियों के आदेश को दरकिनार करते हुए अपने कार्यालय में ध्वजारोहण नहीं किया। यहाँ तक तो बात ठीक थी। अपनी गैर जिम्मेदारी को छुपाने के लिए शिखा बोपचे ने अपने कार्यालय से सटे स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में हुए ध्वजारोहण की जिसमें वो शामिल हुई थी फोटो अपने विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी। जब इस बात की जानकारी लगी तो हमने पशु चिकित्सक डॉक्टर घनश्याम परते से दूरभाष पर चर्चा की तो उन्होंने इस मामले की तस्दीक के लिए शिखा बोपचे से बात की। तब भी शिखा ने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी गई फोटो को अपने कार्यालय के सामने लिए गए ध्वजारोहण की फोटो बताया। फिर भी हमने मामले की गंभीरता को समझते हुए कंजई जाकर हकीकत समझना उचित समझा। ग्राम कंजई पहुंचकर शिखा बोपचे द्वारा ध्वजारोहण की भेजी गई फोटो का बैकग्राउंड देखा तो स्थिति स्पष्ट हो गई कि शिखा बोपचे द्वारा अपने विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी गई फोटो वास्तव में स्वास्थ्य विभाग के ध्वजारोहण की थी, जिसे उन्होंने अपने कार्यालय के सामने की बताकर दोहरा झूठ बोला है। इस बात को और पुष्ट करने के लिए हमने कंजई स्वास्थ्य विभाग के CHO पूनम बघेले से बात की तो उन्होंने भी उक्त फोटो अपने कार्यालय में हुए ध्वजारोहण की बताई। साथ ही यह भी बताया कि वे 2020 से यहां पदस्थ हैं और उन्होंने इतने सालों में किसी भी राष्ट्रीय पर्व पर पशु औषधालय में ध्वजारोहण होते नहीं देखा। इस संबंध में हमने उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवा डॉक्टर प्रदीप अतुलकर से बात की तो उन्होंने मामले की जाँच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मैडम, ये 15 अगस्त के दिन सभी शासकीय कार्यालय में ध्वजारोहण किया जाता है, आपके स्वास्थ्य विभाग का जो कार्यालय है वहाँ पे भी हुआ था जी सर। तो एक जो फोटो मैंने आपको अभी दिखाया ध्वजारोहण वाली जी सर, जिसमें आप भी दिख रही हैं, तो वो आपके विभाग की है वो फोटो? जी सर, हमारे विभाग की। अच्छा, उस फोटो में जो वेटनरी की जो मैडम है शिखा बोपचे जी सर, वो भी दिखाई दे रही जी सर, वो हमारे विभाग की फोटो है, उसमें वो शामिल भी थे, है ना जी। यानी आप ये स्वीकार करती हैं कि आपके कार्यालय में जो ध्वजारोहण हुआ था, हाँ सर, उसमें शिखा बोपचे मैडम हमारे यहाँ विभाग में शामिल थी और वहीं ध्वजारोहण करवाया। उन्होंने अपने कार्यालय में ध्वजारोहण नहीं किया? नहीं, उनके कार्यालय में कोई ध्वजारोहण नहीं किया गया। आपका परिचय क्या है? मैं पूनम बघेले हूँ, CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर SWC कंजई से। कब से हुआ? मैं 2020 अप्रैल से ज्वाइनिंग करी। तो इतने सालों में कभी यहाँ पर झंडा वंदन आपने देखा क्या बाजू में पशु चिकित्सा? नहीं सर, जब से मेरी ज्वाइनिंग हुई तब से तो नहीं देखा। नहीं, आप ही के कार्यालय में? हाँ, हम अपने ही कार्यालय। अभी जो 15 अगस्त को जो झंडा आपके यहाँ वंदन हुआ था उसमें जो मैम है शिखा बोपचे वो शामिल हुई थी जी सर, ना कि उन्होंने अपना कोई अलग से झंडा फहराया? नहीं सर, वो हमारे ही शामिल हुई थी। ठीक, थैंक यू। रिपोर्ट बालाघाट।